हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा सातवीं का पाठ पाँच, जिसका नाम है ईसा मसीह। इस पूरे पाठ में ईसा मसीह के जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि उनका जीवन किस तरीके से व्यतीत हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पाठ को। ईसा मसीह के बचपन का नाम जीसस था। उनका नाम उन महापुरुषों में लिया जाता है जिन्होंने इस पूरी मानव जाति पर अपनी छाप छोड़ी है। उनके जन्म के 2000 साल बाद भी संसार के करोड़ों लोग उनके उपदेशों को याद करते हैं और उन पर चलने की कोशिश करते हैं। महात्मा ईसा का जन्म नासरत प्रांत के एक गांव बेतलहम में बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हुआ था। यह स्थान भूमध्य सागर के पश्चिमी तट के निकट फिलिस्तीन में है। फिलिस्तीन में उन दिनों हेरोदेस का साम्राज्य था। सम्राट अगस्त के आदेश से रोम में जनगणना हो रही थी, क्योंकि वहाँ सम्राट अगस्त का शासन था तो वहाँ जनगणना हो रही थी। उस समय यह नियम था कि लोगों को अपने जन्म स्थान पर जाकर ही उस जनगणना में भाग लेना होता था। तब जोसेफ नाम का एक गरीब यहूदी जनगणना कराने के लिए बेतलहम आया। उसके साथ उसकी पत्नी मरियम भी थी और वो गर्भवती भी थी। संयोगवश उस समय उन्हें रहने के लिए कोई धर्मशाला भी नहीं मिली और उन्हें रात अस्तबल में व्यतीत करनी पड़ी। वहीं रात को मरियम के गर्भ से ईसा का जन्म हुआ। माना जाता है कि बाइबल में ये लिखा भी हुआ है कि जोसेफ को जीसस के जन्म से पहले स्वप्न आया था। उसमें ईश्वर ने संदेश दिया था कि मरियम के गर्भ से एक ईश्वर पुत्र जन्म लेगा, तो उन्हें ये बात स्वप्न में ही पता चल गई थी। इस बालक का उन्होंने नाम यीशु रखा, जो आगे चलकर ईसा मसीह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बालक जीसस में महापुरुष बनने के सारे ही गुण विद्यमान थे। वे धर्म की बातों में रुचि लेते थे, तेज बुद्धि, शांत और नम्र मृदुभाषी थे। जैसे जैसे ईसा बड़े होते गए वैसे वैसे उनकी प्रवृत्ति संसार से हटकर ईश्वर की होती गई। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर का त्याग कर दिया। उन्होंने जॉर्डन नदी के किनारे जंगल में रहने वाले जॉन नामक एक महात्मा से दीक्षा ली, यानी कि शिक्षा ली। किससे ली थी? जॉन से। जॉन सादा जीवन व्यतीत करने वाले एक महापुरुष थे। जॉन से शिक्षा लेने के बाद ईसा थे वो 40 दिन तक जंगल में रहकर उपवास किया, ध्यान में लीन रहे और जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने अपना पहला उपदेश एक पर्वत पर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था, धन्य हैं वे लोग जो नम्र रहते हैं क्योंकि पृथ्वी का राज्य उन्हें ही मिलेगा। यानी कि वे लोग धन्य हैं जो नम्र सिंह स्वभाव के होते हैं क्योंकि उनको ही इस पृथ्वी का राज्य मिलेगा। धन्य हैं वे जो हृदय से पवित्र है क्योंकि उन्हें ही ईश्वर का दर्शन प्राप्त होगा। यानी कि जो हृदय से पवित्र होंगे, हृदय से साफ होंगे, उनको ही ईश्वर का दर्शन प्राप्त होगा। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, उन्हें ईश्वर का पुत्र कहा जाएगा। यानी कि जो साम्राज्य में शांति स्थापित करने का कार्य करते हैं, उन्हें ईश्वर पुत्र कहा जाएगा। वे कहते थे कि अपने शत्रुओं से भी प्यार करो, जो तुम्हें कोसते हैं उन्हें आशीर्वाद दो, जो तुमसे घृणा करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। वे ये भी कहते थे कि दान गुप्त रूप से दो, तुम्हारे बाएं हाथ को भी पता न चले कि दाएं हाथ ने क्या दिया है। यदि तुम अपने साथी मनुष्यों के अपराध को क्षमा करोगे तो ईश्वर तुम्हारे अपराध भी क्षमा कर देगा। कहने का मतलब ये था कि हम मनुष्यों को दूसरों के अपराधों को क्षमा करने की हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए। यदि हम उन्हें क्षमा करते हैं तो ईश्वर भी हमारे अपराध क्षमा करता है। उनके इन उपदेशों को सुनकर बहुत से लोग उनके शिष्य बन गए। वे उनसे कहा करते थे, सब मनुष्य से प्यार करो, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा आप चाहते हो। ईसा मसीह की प्रसिद्धि के कारण कुछ लोग उनसे जलने लग गए, ईर्ष्या करने लगे। कुछ लोग इसलिए भी उनके विरुद्ध थे कि वे रोमन से उनकी मित्रता थी और वो उनके प्रति उदारवादी दृष्टिकोण रखते थे। ईसा मसीह जब यरूशलेम पहुँचे तब वहाँ के यहूदी धर्मगुरुओं ने षड्यंत्र रचकर उनकी झूठी शिकायतें शासकों से की और कहा जाता है इस षड्यंत्र में ईसा मसीह का एक शिष्य जुडास भी उसमें शामिल था। जुडास उनका शिष्य है। फिर वहाँ के शासकों ने उन्हें पकड़ लिया
और उन्हें मृत्युदंड का आदेश हुआ। भरे बाजार में उन्हीं लोगों के बीच जिनके कल्याण के लिए उन्होंने जीवन भर काम किया, उन्हें वहां दंड दिया गया। ईसा मसीह को अपना क्रूस खुद उठाकर ले जाना पड़ा। उनके पैरों में कीले ठोककर उन्हें क्रूस पर लटका दिया गया। क्रूस पर चढ़े हुए ईसा मसीह ने उस असहाय पीड़ा में भी अपने शत्रुओं के प्रति कोई बुरा भाव प्रकट नहीं किया। उन्होंने तभी भी ईश्वर से बस यही प्रार्थना की, हे प्रभु इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और यानी कि क्रूस पर इतने दर्द में लटके रहने पर भी लोगों के लिए ये भावना रखना बहुत ही बड़ी बात थी। क्रूस पर ही ईसा मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए, उनकी वहाँ मृत्यु हुई। और ईसा मसीह का जो ये प्रेम, भाईचारा और सहनशीलता का जो संदेश है वो आज तक जीवित है। तो हमने इस पूरे पाठ में जाना ईसा मसीह के पूरे जीवन के बारे में। तो आशा है आपको जो पूरा चैप्टर है ईसा मसीह का अच्छे समझ आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो मेरी आप पर सबसे पहले पहुँचे।